बना रहा हूँ मैटी। घड़ी में बज रहे हैं 4:15। शुभ उठा हुआ है, बाकी सब सो रहे हैं। उसे लगी है भूख क्योंकि वो पिछले 2-3 घंटे से जगा हुआ है, साथ ही मैं भी जगी हुई हूँ। तो हम दोनों मॉर्निंग मैगी बनाने वाले हैं। मैगी आज शुभम को हो रखा है कोल्ड, जिसकी वजह से रात भर वो परेशान रहा है। और क्योंकि कई घंटों से वो जगा हुआ है, लगभग 3-4 घंटों से, तो उसे अब लग चुकी है भूख। और इस मोमेंट पे हम बना रहे हैं पतंजलि की आटा मैगी। मैं बहुत ही सिंपल तरीके से नूडल्स बनाने वाली हूँ, तो रिक्वायरमेंट से थोड़ा ज़्यादा मैंने पानी ले लिया है क्योंकि मुझे सूखे नूडल्स बनानी है। यहाँ पे शुभम भी मेरी हेल्प कर रहा है, ये मैगी ब्रेक करने में भी हेल्प कर रहा है, साथ ही साथ इसे कच्ची मैगी खाने भी अच्छी लग रही है, तो ये लगा हुआ है अपने मैगी खाने में। पानी बॉईल होते ही दोनों मसाला मेकर मैंने पानी में इंक्लूड कर दिए हैं। फर्स्ट टेस्ट है मेरे पास में यहाँ पे ड्राई लहसुन पाउडर, तो 1/4 टीस्पून लहसुन पाउडर हम इसमें इंक्लूड कर देंगे। और इस रेसिपी में एक छोटा सा ट्विस्ट मैं दूंगी, जिसकी वजह से ये रेसिपी खा के जिस प्रॉब्लम से रात भर शुभम परेशान हो रहा था वो कई रेमेडीज़ के बाद भी सॉल्व नहीं हो पाएगी। बट हाँ, इसे मैंने इस तरीके से बनाया है कि इसे खाने के बाद में जो उसकी नाक जाम हुई थी वो एकदम अच्छे से क्लियर हो गई। तो यहाँ पे पानी बॉयल हो चुका है, इसमें लहसुन का पाउडर डल चुका है, साथ ही मसाला मेकर भी डल चुका है। अब मैंने इसमें इंक्लूड कर दिए सभी मैगी। इस प्लेट के ऊपर भी मैं थोड़ा पानी ऐड कर दूंगी क्योंकि मुझे ये सूपी नूडल्स चाहिए। अगर इसका पानी ड्राई होने लगेगा तो हम इसमें गर्म पानी और ऐड कर देंगे। और जैसा कि आप देख सकते हैं पानी थोड़ा सूख गया है, तो जो प्लेट के ऊपर पानी था वो भी मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया था। साथ ही एक टमाटो है जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है और वो भी इसमें इंक्लूड कर दिया है। शुभम के सवाल जवाब के साथ मेरी मैगी आगे बढ़ रही है। तो उसने मुझसे पूछा है कि जब मैं छोटी थी तो क्या मेरी मम्मी भी मैगी बना के खिलाती थी। हाँ बच्चा, मैं मेरे जमाने की बात बोल रही हूँ। कैसे बनाई? रेसिपी बता दे। दरअसल शुभम को हुआ है कोल्ड और मैं सो पाती उससे पहले वो उठ गया, और हम लोग कंटिन्यू तभी से जगे हुए हैं। चूँकि कोल्ड की वजह से उसकी नाक ब्लॉक हो गई है और ऑलमोस्ट बहुत सारी रेमेडीज़ मैंने ट्राई कर ली बट वो रिलैक्स नहीं हो पा रहा, उसे नींद नहीं आ पा रही। साथ ही साथ मैं भी जग रही थी कई घंटों से, भूख लग ही रही थी। तो हम दोनों को सबसे पहले मैगी ही याद आई, तो मुझे लगा अगर मैं मैगी को सूपी स्टाइल में बनाऊंगी, साथ ही इसमें लहसुन और टमाटर ग्रेट करके ऐड करूंगी, तो शायद ये इफ़ेक्टिव हो जाए। और एक्चुअल में ऐसा ही हुआ, क्योंकि इसको गर्मा गर्म जब सूपी नूडल्स मैंने उसे दी जिसमें लहसुन इंक्लूडेड था, साथ ही टोमेटो प्यूरी भी थी, तो इन दोनों चीज़ों ने इंक्लूड होके उसके लिए बहुत रिलैक्स वाला काम किया। ऑल्दो वो ये खाने के बाद भी नहीं सो पाया, वो ड्राइंग वगैरह करता रहा 1-2 घंटे तक। फिर लगभग 1.5 घंटा वो बिज़ी रहने के बाद में फिर सोया। आई थिंक 6 बजे के बाद उसे नींद आई थी और मैंने तो पूरी रात जगते हुए ही निकाली।
क्योंकि अगर मैं 6 बजे सो जाती तो मेरी पूरी बॉडी पेन करने लग जाती, और वो जो थकान थी रात भर की वो सारी की सारी पूरा दिन भर बनी रहती। तो मैंने सोना प्रेफर नहीं किया। आई थॉट रूटीन का सारा काम निपटा के मैं दिन में थोड़ा रिलैक्स हो जाऊँगी। फाइनली 3:55 हुए हैं और हमारी मैगी तैयार हो तो चुकी हम है। खा रहे हैं हमारी तो फाइनली मैगी। हमारी नूडल्स बन के तैयार हो चुकी हैं। अब फ्रेंड्स, आज की जो सिचुएशन थी, ऐसी सिचुएशन हर माँ की लाइफ में आती है जब बच्चे रात में कई बार परेशान होते हैं, बीमार होते हैं, वो ना खुद सुकून से सो पाते हैं ना पेरेंट्स को सोने देते हैं। तो गर्म है आज की वीडियो से मैंने ऐसे ही रैंडमली शूट कर लिया, बट मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की, हम परेशान होकर उस टाइम को निकालें, इससे अच्छा है कि हम उस पल को जी लें, उस पल में क्या हम अच्छा कर सकते हैं। तो लाइफ में आने वाले स्ट्रगल के पलों में से छोटी छोटी खुशियाँ कैसे निकालनी है वो हम पे डिपेंड करता है। इस तरीके से बच्चे भी खुश हो जाते हैं और हम भी परेशान नहीं होते। बाय बाय।